तो गाइस हम आज सीखने वाले हैं मैग्नेटिक टेप्स के बारे में, जो कंप्यूटर का सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों मैं आज से क्या करने वाला हूँ, हर भी कंप्यूटर का पार्ट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरी इस सीरीज के साथ। आज स्टार्ट करते हैं मैं मैग्नेटिक टेप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये मैग्नेटिक टेप आके है क्या, देख लीजिए। मैग्नेटिक टेप, दिस इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज विच स्टोर्स डाटा सिक्वेंशियली। दिस इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। मतलब आपको डाउट आ गया होगा कि ये सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस क्या है। आपने एक मेमोरी में, सॉरी आप मेमोरी में हो या हार्ड डिस्क में हो या ये मैग्नेटिक टेप में डेटा को स्टोर किया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एक फिल्म स्टोर किया है, सेकेंड एक गाना को स्टोर किया है। आपको क्या चाहिए, अगर आपने उस मैग्नेटिक टेप को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही फर्स्ट जो फिल्म स्टोर किया वहां से ही स्टार्ट होगा, रैंडमली आप उस गाने को एक्सेस नहीं कर सकते। पता चल गया। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने फर्स्ट एक मतलब एक 10 फाइल्स आपने एक मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रखी है, आपको डायरेक्ट 5th फाइल को एक्सेस करना है, हो नहीं सकता, सिक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आपको 5th फाइल को एक्सेस करना है, फर्स्ट फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा, सेकंड को करना पड़ेगा, थर्ड को करने के बाद ऐसे ही फोर्थ करके बाद में आ जाएगा 5th। इसमें क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऐसे ही सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है मैग्नेटिक टेप, जो पहले कंप्यूटर में यूज किया करते थे, अभी थोड़े थोड़े यूज करते। आपको पता चल गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा क्या है मैग्नेटिक टेप। तो यहाँ पर मैं इसकी जो कैसे बनाता है, कैसे बनता है, किस किस मतलब केमिकल, किस किस कॉम्पोजिशन से ये बनता है, देख लीजिए। ये क्या होता है दोस्तों, 1/2 inch वाइड और 2200 feet तक लंबा होता है। मतलब इतना छोटा सा, ब्लैक कलर रील देखी होगी आपने, वैसा होता है। जो भी ऐसे राउंड 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 शेप करके हम, आप जब भी बच्चे थे ऐसे हवा में उड़ा के खेलते थे, पता है क्या, जो सॉन्ग कैसेट्स होते थे उसको कहते हैं मैग्नेटिक। ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक भी नहीं होता, कुछ चॉकलेटी मिक्सड होता है जो बहुत मतलब शाइनी टाइप का होता है। वो जो उसका कोटिंग है ना, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड से बना होता है। पता चल गया, खैर आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड से बनाया जाता है। और यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में स्टोर होता है और बीसीडी के फॉर्म में। मतलब पहला जो ओल्ड वाला था, बाइनरी कोडेड डेसिमल के साथ, तो उसमें जीरो एंड वन के फॉर्म में डेटा को स्टोर होता था। लेकिन अब ECDBIC क्या है, वो EBCDIC के फॉर्म में स्टोर होता है। आपको बता दूंगा अगले एपिसोड में है क्या। तो पता चल गया डेटा को, डेटा कैसे स्टोर होते हैं और मैग्नेटिक टेप क्या है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। इस दोस्तों स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब डेटा कैसे इसमें स्टोर होता है। तो ये डेटा कैसे स्टोर होता है, कंटिन्यूअसली स्टोर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने डेटा स्टोर किया, जो ओल्ड वाला डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 MB के 10 गाने आपके जो मैग्नेटिक टेप में सेव किए हैं और मैग्नेटिक टेप का भी 100 MB है, मेमोरी फुल है। जब भी आप नया डाटा इंसर्ट करोगे तो आप, वो आपको नहीं बताएगा मेमोरी फुल है। वो क्या करेगा, जो भी बैक वाला फर्स्ट गाना होता है, सेकंड गाना होता है, ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा। और क्या करेगा, जो आपने नया फाइल उसको दिया है वो ऑटोमेटिकली स्टोर करेगा। वैसे ही इसकी मतलब जो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती रहती है। पता चल गया ना, पहले का डिलीट होता है, बाद में आता है जो, वो वैसे ही स्टोरेज था। इसके लिए इसको कहते हैं वर्चुअली अनलिमिटेड। वर्चुअली अनलिमिटेड क्यों, कितना भी डेटा डालो ऑटोमेटिकली जो बैक वाला होगा डिलीट होता रहेगा, जो नया वाला होगा स्टोर होता रहेगा। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग सिस्टम पर कोई डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये ब्लॉकिंग सिस्टम मतलब यहाँ पर बहुत सारे अगर शॉर्ट फाइल्स होते हैं, जो भी ये ब्लॉकिंग सिस्टम, एक ब्लॉक में डेटा फाइल स्टोर किया, दूसरे फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। एक सिक्वेंशियल एक्सेस है, इसीलिए एक ही फाइल में हम दो डेटा स्टोर नहीं कर सकते, एक ही ब्लॉक में दोनों डेटा को शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, 10 MB की आपकी मैग्नेटिक टेप है, उसमें 10 ब्लॉक्स है, आप उसमें 11 सॉन्ग्स तो ऐड नहीं कर सकते। 5-5 MB की आपके सॉन्ग्स है, 10 सॉन्ग्स 50 MB हो गई, लेकिन आपकी मैग्नेटिक टेप है 100 MB की, बाकी का 50 MB खाली खाली पड़ गया ना, वो खाली पड़ेगा, क्योंकि एक ब्लॉक में हम एक ही सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस है, रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अभी भी आपको क्लियर होगा, और एक बार बता देता हूँ, एक देख लीजिए, मैग्नेटिक टेप है, उसमें 10 ब्लॉक्स है, 10 ब्लॉक्स में आपने 10 गाने डाले हैं, वो 5-5 MB की है, टोटल 50 MB हो गई, वो आपकी मैग्नेटिक टेप है 100 MB की है। खाली जो फालतू 50 MB बचेगी वो वेस्ट भी हो जाएगी, आप डाटा ऐड भी नहीं कर सकते, जब भी ऐड करेंगे वो डिलीट हो जाएगा, फिर नया ऐड होगा। ऐसा होता है इस मैग्नेटिक टेप की वजह से। इसी प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क को बनाया, वो अगले एपिसोड में हम देख लेंगे। तो अब बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। मतलब यहाँ पर देखिए, जितनी डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इंटू लेंथ, फॉर एग्जाम्पल डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी कितनी होगी, 800 BPI से, मतलब बाइट्स पर इंच से 77 BPI तक होती है, बाइट्स पर इंच तक, जो भी ये मॉडर्न मैग्नेटिक टेप्स है वहाँ पर 77 अप्रोक्सिमेटली आप
जैसे कि उसके क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड रहते हैं, 800 BPI से 77,000 था। उसकी जो लंबाई होती है 2400, जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनटू लेंथ, कितनी डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं जो भी बेस वाला है ये लेता हूँ 800 BPI, 800 बाइट्स पर इंच, इनटू कितनी लंबाई है उसकी, 2400 लंबाई है और कितना इंच का है, 12 इंच का है। इसको मल्टीपल कीजिए, क्या कीजिए, 800 BPI इंटू 2400 फीट इंटू 12 इंचेस, आंसर आएगा 23 × 10⁶ बाइट्स। वो अगर हम MB में कन्वर्ट करें यहाँ पर होता है 23 MB। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टोरेज कैपेसिटी कैसी स्टोर होती है, पता चल गया ना आपको, जितनी डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी है। जैसे हम भी अगर लंबा टेप हो तो डेटा ज़्यादा स्टोर होगा, और जिसकी बहुत लंबा टेप हो तो डेटा बहुत स्टोर होगा। और यहाँ पर डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी और कितने इंच का है वहीं भी वो यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, डेटा ट्रांसफर रेट। मतलब डेटा ट्रांसफर रेट आखिर है क्या, मैग्नेटिक टेप का डेटा ट्रांसफर रेट, पर सेकंड को कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल पर सेकंड को 10 MB ट्रांसफर हो रहा है, पर सेकंड को 5 MB ट्रांसफर हो रहा है, पर सेकंड को कितनी रीड एंड राइट कैपेसिटी है, उसको जो होता है डेटा ट्रांसफर रेट। नंबर ऑफ कैरेक्टर ट्रांसमिटेड इन पर सेकंड, BPS मतलब बाइट्स पर सेकंड, कितने बाइट्स पर सेकंड मैग्नेटिक टेप से ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कितना है डेटा ट्रांसफर रेट उस मैग्नेटिक टेप्स का। इसके लिए देखिए, फॉर एग्जांपल 77,000 BPI मतलब डेटा ट्रांसफर रेट इस बार हाई के ले लेता हूँ, जो भी मॉडर्न टेप में है 77,000 BPI बाइट्स पर इंच इनटू 100 इंच का जो हमारा टेप है, 100 इंच का है, और सॉरी 100 इंच पर सेकेंड जो हमारा डेटा ट्रांसफर है मैग्नेटिक टेप में 100 इंच पर सेकेंड दौड़ रहा है, इनटू इसको 77,000 तक BPI जो बाइट्स पर इंच है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पर निकल जाएगा 77 लाख। मतलब इसको अगर MB में कन्वर्ट कीजिए तो यहाँ पर 7.7 MB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट निकल जाता है। जो भी अगर आपका 77,000 BPI नहीं है, 800 BPI तो है, ले यहाँ पर क्या कीजिए 800 बाइट्स पर इंच को मल्टीप्लाई कीजिए, जितना लंबा आपकी मैग्नेटिक टेप है, जितनी लंबी आपकी मैग्नेटिक टेप है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डेटा ट्रांसफर रेट उधर से कैलकुलेट होकर निकल के आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हाफ इंच टेप रील मिलेगा आपको, क्वार्टर इंच टेप रील मिलेगा, फिर से यहाँ पर आपको मिलेगा हाफ इंच स्ट्रीमर टेप मिलेगा, यहाँ पर डैट मतलब डिजिटल ऑडियो टेप मिलेगा, 4 mm का डिजिटल ऑडियो टेप मिलेगा। वो कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ उतना इंपॉर्टेंस उसमें नहीं लगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट एडवांटेज के ऊपर बात कर लेता हूँ, क्या है मैग्नेटिक टेप्स के एडवांटेजेस। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसकी लो कॉस्ट है और डेटा को हाईएस्ट रिकॉर्ड करता है, मतलब वर्चुअली अनलिमिटेड है, कितना भी डालो ऑटोमेटिकली बैक वाला डेटा इरेज हो जाएगा और नया वाला डेटा उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इजी टू हैंडल है, पोर्टेबल है, लाइटवेट है, जहाँ भी आपके पॉकेट में रख के ले जा सकते हो इस मैग्नेटिक टेप को। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस है, मतलब आपने 10-20 फाइल उसमें स्टोर की है, भाई आपको 15th फाइल एक्सेस करनी है, आपको सारे पहले से 15 सारा जो भी फाइल है सबको उछाड़ खिचाड़ के आना पड़ेगा, बाद में आपको 15th फाइल का एक्सेस मिलेगा, इसीलिए ये साल अपना होता रहता है इस मैग्नेटिक टेप में। यहाँ पर रैंडम एक्सेस नहीं दिया गया है, ये फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, यहाँ पर जो ब्लॉकिंग सिस्टम है उसकी वजह से जो डेटा एक्सेस कर सकते हैं हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो सिक्वेंशियली होता रहेगा, फिर जाके आपको 15th फाइल मिलेगी, फिर जाके आपको 20th फाइल मिलेगी, यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज होता है। और यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, फॉर एग्जांपल आपके टेप में जो जो भी डाटा कौन कौन सी मतलब मैग्नेटिक टेप में स्टोर है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, आपको तो ऊपर से देख के तो पता नहीं चलता यार इसके अंदर क्या है। अगर आपके पास एक 10 मैग्नेटिक टेप रील है तो यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने एक इमेज रखी किसी के किसी कौन सी भी फाइल कौन सी भी मैग्नेटिक टेप में आपने इमेज रखी है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 10 मैग्नेटिक टेप को अंदर डाल के सर्च करके रखना पड़ेगा, वही एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर लेबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ तो नंबरिंग करना पड़ेगा जो कि आपको पता चले हाँ बाबा ये मेरा इमेज इसी मैग्नेटिक टेप में स्टोर है, पता चल गया ना क्या डिसएडवांटेज है। इसके यूजेस क्या है दोस्तों, इसको ऑफलाइन स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो भी डोंट अनलिंक्ड कंप्यूटर है उनमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप इस कंप्यूटर में डालो, डेटा को निकालो, फिर इस कंप्यूटर में आओ, मैग्नेटिक टेप को डालो, डेटा को ट्रांसफर करो, आ गया ना एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर तक डेटा, पता चल गया ना वैसे ही। और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मतलब फॉर एग्जाम्पल पबजी का गेम लेना है आपको, अमेजोन से खरीद लीजिए, एक मैग्नेटिक टेप रील में आ गया तो मतलब आप जब भी एक बार कर लेंगे तो काम खत्म, पता चल गया ना ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक टेप का जो फंडा है काम करता है। अगर आपको ये वीडियो में बहुत इजी वे से बहुत स्लो वे से इस वीडियो में समझाया हूँ,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे वाला रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, जो बाद में बेल आइकन आता है उसी को भी दबा देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।